नमस्ते, गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं आज की वो कौन सी चार बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। पहली बड़ी खबर, आज यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर होने वाला है। भगवा ब्रिगेड ने समाजवादी कुनबे पर सियासी स्ट्राइक की तैयारी कर ली है। खबर है कि आज सुबह 10 बजे मुलायम सिंह यादव की छोटी बहुरानी यानी कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होने वाली है। इस बड़ी खबर पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। दूसरी बड़ी खबर क्या है ये भी आप जान लीजिए। अन्य संकल्प के जरिए खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी होने का स्वांग रचने के बाद अब अखिलेश यादव फ्री बिजली के जरिए वोट मीटर बढ़ाने का प्लान केजरीवाल बन चुके हैं। जी हां, इसके लिए समाजवादी पार्टी 300 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ नाम लिखाओ अभियान शुरू कर रही है। इस खबर पर भी दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। पल पल की अपडेट आपको देंगे। नमस्कार, सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और आइए अब मैं आपको बाकी दो बड़ी खबरें बता देती हूं जिन पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। यानी आज की वो तीसरी बड़ी खबर कौन सी है, बीजेपी के लखनऊ कैंट सीट सिरदर्द की वजह बनती जा रही है क्योंकि यहां कई सियासी सूरमाओं ने अपना दावा ठोक दिया है। बेटे की टिकट के लिए जहां एक और बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने सियासी करियर दांव पर लगा दिया, तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी दावेदारी पेश कर पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। अब अपर्णा की एंट्री से तीसरा मजबूत दावेदार भी सामने आ रहा है, तो ये भी आपको बताएंगे कि अब इस रस्साकशी में किस तरह से इस समस्या का हल बीजेपी निकालेगी। चौथी बड़ी खबर, आज दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है जिसमें यूपी के लिए बचे हुए 231 नामों पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इस खबर पर भी तमाम अपडेट ग्राउंड जीरो से आप तक हम पहुंचाएंगे। तो ये वो है दिन भर की आज चार बड़ी खबरें। आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं सुपर स्पीड 100। चुनावी घमासान के बीच अखिलेश यादव को बड़ा झटका देने की तैयारी। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में हो सकती हैं शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपर्णा को पार्टी की दिलाएंगे सदस्यता। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक अपर्णा यादव की बीजेपी से बातचीत फाइनल हो चुकी है। दिल्ली में मौजूद है अपर्णा यादव। 2017 में लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं अपर्णा। समाजवादी पार्टी से टिकट पर हासिल किए थे करीब 63,000 वोट। मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा। हमेशा से ही सीएम योगी और पीएम मोदी की तारीफ करती आई हैं अपर्णा। अखिलेश के फ्री बिजली वाले बयान पर सीएम योगी का बहुत बड़ा तंज। ट्वीट कर लिखा, बाप चले अंधेरे में, बेटे का नाम पावर हाउस। फ्री बिजली के दावों पर मोहसिन रजा ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा बिजली कोई पार्टी नहीं देती है बल्कि सरकार देती है। यूपी में अखिलेश यादव का चुनावी दाव, कहा लोगों को मुफ्त देंगे 300 यूनिट बिजली। अखिलेश यादव ने कहा मुफ्त बिजली के लिए आज से समाजवादी पार्टी शुरू करेगी अभियान, घर घर जाकर लिखेंगे लोगों के नाम। अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप, कहा हमारे कई लोगों को झूठे केस में फंसाया, बीजेपी में सबसे ज्यादा दागी विधायक। शिवपाल यादव की नाराजगी पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश, एसपी ऑफिस में हुई शिवपाल अखिलेश की मुलाकात। अखिलेश के साथ मीटिंग के बाद बोले शिवपाल, मैं संतुष्ट हूं अखिलेश की अगुवाई में बनेगी सरकार। समाजवादी पार्टी नेता राम गोविंद चौधरी का सीएम योगी पर निशाना, कहा सीएम योगी रिटायर होंगे तो अखिलेश देंगे पेंशन। सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर राम गोविंद चौधरी का तंज, कहा बीजेपी ने उन्हें पहले ही घर भेज दिया। जेल से चुनाव लड़ सकते हैं आसम खान, सूत्रों के मुताबिक रामपुर शहर से अपना प्रत्याशी बना सकती है समाजवादी पार्टी। आसम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार टांडा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। चारों पुराने प्रत्याशियों को रामपुर से टिकट दे सकती है समाजवादी पार्टी। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले अब्दुल्ला आजम, जेल से रिहा होने के बाद पहली बार अखिलेश से मिले अब्दुल्ला। टिकट पर बोले अब्दुल्ला आजम, अखिलेश यादव से टिकट को लेकर नहीं हुई बात, अखिलेश से पारिवारिक संबंध इसलिए गया था मिलने। कोर्ट ने नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज की, नाहिद हसन को गैंगस्टर केस में किया गया था गिरफ्तार, नामांकन के लिए जाते वक्त किया गया था गिरफ्तार। अब्दुल्ला आजम को लेकर मोहसिन रजा का अखिलेश पर तंज, कहा समाजवादी पार्टी में अपराधी आते हैं संस्कारी लोग नहीं आते। महबूबा मुफ्ती के बयान पर मोहसिन रजा का तंज, कहा कश्मीर को 370 से आजादी दे दी है, महबूबा को अगर घुटन हो रही है तो पाकिस्तान चली जाए। यूपी चुनाव में अकेले उतरेगी आजाद समाज पार्टी, 33 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश पर धोखे का लगाया आरोप, कहा आप जब अपनी बात से पलटते हैं तो धोखा करते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा मेरे साथ अखिलेश की 25 सीटों को लेकर बात हुई थी लेकिन ऐन मौके पर वो अपनी बातों से मुकर गए। चंद्रशेखर ने कहा पार्टी कहेगी तो गोरखपुर से लड़ूंगा, योगी को चुनौती दूंगा, बीजेपी को सत्ता में आने से रोकूंगा।
कांग्रेस छोड़ सपा में शामिल हुए इमरान मसूद का अखिलेश यादव पर अपमान करने का आरोप, कहा अखिलेश ने बुलाकर भी बात नहीं की, फिर सहारनपुर से उतार दिए प्रत्याशी। टिकट नहीं मिलने पर छलका इमरान का दर्द, बोले मुसलमानों एक हो जाओ, क्यों मुझे दूसरों के पैर पकड़वा रहे हो। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान, कहा प्रियंका को देश का प्रधानमंत्री बनाकर ही दम लूंगा। तौकीर रजा ने कांग्रेस का समर्थन करते हुए कहा प्रियंका गांधी को छोटी बहन मानता हूं, सिर्फ प्रियंका और राहुल ही सच्चे सेटलर। चुनावी दंगल के बीच तौकीर रजा के विवादित बोल, कहा बाटला हाउस एनकाउंटर में मरने वाले आतंकवादी नहीं, उन्हें मिलना चाहिए शहीद का दर्जा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लोगों से किया वर्चुअल संवाद, कहा संघर्ष से गुजरी महिलाओं को दिया टिकट। प्रियंका गांधी ने कहा सरकार बनने पर महिलाओं के लिए करेंगे काम, मुझे सकारात्मक राजनीति करनी है। तौकीर रजा को लेकर कांग्रेस और एसपी पर हमलावर हुई बीजेपी, कहा हिंदू विरोधियों के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा हिंदुओं से घृणा फैलाने की होड़ चल रही है, हिंदुओं पर जहर उगलने वाले कांग्रेस के प्रिय। संबित पात्रा ने कहा तौकीर रजा ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला, नाहिद हसन भी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता है। संबित पात्रा ने कहा पंजाब में पीएम के साथ जो हुआ वो प्रयोग था, संयोग नहीं। नाना पटोले ने पीएम के खिलाफ गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। पांच राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर आज बीजेपी सीईसी की अहम बैठक, तीसरे चौथे और पांचवें चरण के उम्मीदवारों के नामों पर लग सकती है मुहर। पश्चिमी यूपी को साधने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, मेरठ में पीएम मोदी करेंगे रैली, 23 जनवरी के बाद हो सकता है ऐलान। चुनावी हलचल के बीच सीएम योगी का आज ग्रेटर नोएडा का दौरा, जिम अस्पताल का करेंगे निरीक्षण। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने जी मीडिया से की खास बातचीत, कहा बीजेपी से खास रिश्ता है और सीटों को लेकर आपस में कोई भी बात नहीं। संजय निषाद का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा 30 साल हाथी और साइकिल की सरकार थी, यूपी में जंगल राज था, भेदभाव था, अब दलित और पिछड़ा वर्ग सब जान गया है। मथुरा की मांट सीट से टिकट न मिलने पर रोए बीजेपी नेता, सिसक सिसक कर रोते नजर आए बीजेपी नेता एसके शर्मा। बीजेपी नेता एसके शर्मा ने नाराज होकर, शर्मा ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, कहा करोड़ों खर्च किए मगर टिकट नहीं मिला। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की, बेटे के लिए लखनऊ कैंट से टिकट मांगा। रीता बहुगुणा ने कहा परिवारवाद से बचने के लिए इस्तीफा देने को तैयार, मेरा बेटा टिकट मांग रहा है यह उसका अधिकार, पार्टी से नाराजगी का सवाल नहीं। बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, कहा गुंडों दंगाइयों को अपना टिकट देकर सपा ने गुंडाराज और दंगाराज की वापसी कराने का मंसूबा जाहिर किया। शाहजहांपुर के जलालाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक शरदवीर सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा, टिकट कटने से आहत थे। यूपी चुनाव में बीजेपी ने दो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, भोजीपुरा से बहोरन लाल मौर्य को टिकट मिला जबकि बहेड़ी से छत्रपाल गंगवार को टिकट मिला। यूपी चुनाव के लिए एसपीआरएलजी के दो प्रत्याशियों का ऐलान, सिवाल खास से गुलाम मोहम्मद और मेरठ कैंट से मनीषा अहलावत को मिला टिकट। बीजेपी का विपक्ष पर ट्विटर वॉर, अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए जारी किया नया वीडियो, कहा अखिलेश के बड़बोलेपन का किसानों ने दिया करारा जवाब। यूपी बीजेपी ने जारी किया एक और कैंपेन सॉन्ग, गाने के जरिए विपक्ष पर कसा तंज, योगी सरकार के सख्त प्रशासन की तारीफ की। संभल के असमोली से एसपी विधायक पिंकी यादव पर केस दर्ज, कोविड गाइडलाइन और आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। एसपी के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा समेत कई पर एफआईआर दर्ज, कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने पर हुई कार्रवाई, बाइक रैली का वीडियो हुआ था वायरल। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त, नोएडा में फॉर्च्यूनर गाड़ी से 99 लाख कैश बरामद, चुनाव में खर्च हो सकते थे ये पैसे। यूपी में चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, चुनाव में शिक्षा मित्र और आंगनबाड़ी वर्कर्स की ड्यूटी नहीं लगेगी, यूपी सरकार के प्रस्ताव के बाद आयोग का फैसला। यूपी चुनाव के लिए आज लिस्ट जारी करेगी जेडीयू, पार्टी महासचिव केसी त्यागी ने कहा बीजेपी से कई दौर में बात हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगी ममता बनर्जी, 8 फरवरी को ममता बनर्जी लखनऊ में करेंगी रैली। आम आदमी पार्टी ने यूपी के लिए 20 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की, यूपी प्रभारी संजय सिंह ने उम्मीदवारों को जीत की शुभकामनाएं दी। पंजाब के बाद अब गोवा में भी आम आदमी पार्टी करेगी सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान, दिल्ली के सीएम केजरीवाल करेंगे घोषणा। उत्तराखंड बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर आज दिल्ली में मंथन, सीईसी के सामने रखे जाएंगे सभी उम्मीदवारों के नाम, मीटिंग में सीएम हामी भी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में मंथन, संभावित प्रत्याशियों पर हुई चर्चा। बीजेपी से निष्कासित होने के बाद हरक सिंह रावत को आई हरीश रावत की याद, बोले बड़े भाई हरीश रावत से 100 बार मांग सकता हूं माफी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का दावा, आका उत्तराखंड में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, कांग्रेस पर भी जमकर बोला हमला।
कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल का दावा, 5 साल में किए गए कामों के आधार पर उत्तराखंड में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोठियाल का गंगोत्री दौरा, डोर टू डोर कैंपेन से जनता से कर रहे हैं संवाद, 7 दिनों से गंगोत्री में है कर्नल कोठियाल। उत्तराखंड में बीजेपी की वर्चुअल जनसभा, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जनसभा में हुए शामिल। सीएम धामी ने कहा कि आने वाले दिनों में बाबा बद्री विशाल के प्रांगण को भव्य रूप मिलेगा। सीएम धामी ने कहा बीते 5 साल में उत्तराखंड के विकास की रफ्तार तेज हुई है, प्रदेश के लिए 1.5 लाख करोड़ की योजनाओं को मिली मंजूरी। हिंदुस्तान पर पंजाब के सीएम चन्नी का बड़ा बयान, कहा बाजू मरोड़कर सत्ता हासिल करना चाहती है बीजेपी, साजिश को जवाब देगी पंजाब की आवाम। सीएम चन्नी से खास बातचीत के दौरान कहा पार्टी ही सीएम के नाम पर मुहर लगाएगी, पंजाब में कांग्रेस ही सत्ता चला सकती है। भगवंत मान ने कांग्रेस पर किया जोरदार हमला, कांग्रेस को आड़े हाथ लेकर कहा कांग्रेस में सर्कस चल रही है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भगवंत मान पर कसा तंज, कहा भगवंत मान घुसाने का काम कर सकते हैं, क्या वो पंजाब को कर्ज मुक्त और नशा मुक्त कराएंगे। नीलो विधायक अभय चौटाला ने पंजाब में अकाली दल की सरकार बनने का किया दावा, तो भगवंत मान की सीएम चेहरा घोषित होने पर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पंजाब में भगवंत मान होंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा, अरुण केजरीवाल ने किया ऐलान। पंजाब बीजेपी में शामिल हुए जनरल जेजे सिंह जी मीडिया से खास बातचीत में कहा पंजाब की भलाई के लिए बीजेपी में शामिल हुआ। मुंबई में युद्धपोत आईएनएस रणवीर में ब्लास्ट, इंटरनल कंपार्टमेंट में हुए धमाके में 3 जवान शहीद, कई जख्मी, जांच के आदेश दिए गए। ग्रेटर नोएडा में 6 साल के बच्चे पर पालतू कुत्ते का हमला, शिकायत करने पर दबंगों ने परिजन को भी पीटा, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के मामले में फांसी, पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा दी। यूपी के रायबरेली में 2 महिला पुलिसकर्मियों की हाथापाई का वीडियो हुआ वायरल, दोनों महिला पुलिसकर्मी सिपाही के पद पर है तैनात। यूपी के ललितपुर में कचरे में गोबर फेंकने को लेकर महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, शिकायत के बाद भी पुलिस का कार्रवाई करने नहीं करने का आरोप लगा। यूपी के अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रक की भिड़ंत में 36 से ज्यादा लोग हुए घायल, धनीपुर एयरपोर्ट के पास हुआ हादसा। यूपी के कौशाम्बी में दहेज हत्या के आरोपी पति को 14 साल की जेल, सास ससुर को भी 7 साल की जेल। यूपी के अमेठी में घर में घुसकर दबंगों ने किशोरी को पीटा, गंभीर हालत में किशोरी अस्पताल में भर्ती, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के जौनपुर में चिकन शॉप के मालिक को चौक इंचार्ज ने पीटा, समय पर चिकन न मिलने से नाराज थे चौक इंचार्ज। यूपी के बलरामपुर में सरकारी शराब ठेके की आड़ में अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। यूपी के फर्रुखाबाद में 1 महीने के लिए कल्पवास का आयोजन, पांचाल घाट पर कल्पवास के लिए बसाई गई आस्था की नगरी। भोपाल रेलवे स्टेशन पर रातोंरात बना रैन बसेरा, 50 बिस्तर वाले बसेरे में गरीबों को मिलेगा भोजन। किसानों को शिवराज सरकार ने दी राहत, 20 जनवरी तक बढ़ाई धान खरीदी की तारीख। नई शराब नीति में हेरिटेज वाइन से गरमाई एमपी की सियासत, कांग्रेस ने सरकार पर लगाया आदिवासियों के शोषण का। मध्य प्रदेश में ऑफलाइन होंगी कॉलेज की परीक्षाएं, कुलपतियों के साथ बैठक में उप शिक्षा विभाग का फैसला। 14 दिन के लिए जेल भेजे गए निलंबित आईपीएस जीपी सिंह, आय से अधिक संपत्ति मामले में बीते 6 दिनों से हो रही थी पूछताछ। ईओडब्ल्यू के शिकंजे में नकली अफसर बनकर ठगी करने वाले बाप बेटे, छापे का डर दिखाकर लोगों से ऐंठते थे पैसे। उर्दू फारसी शब्दों को हटाने की तैयारी में एमपी पुलिस, एडीजी रिसर्च डेवलपमेंट ने आदेश जारी कर मांगे हैं सुझाव, लिखा हिंदी के आसान शब्दों की सौंपल। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब कांड के बाद 121 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी, महीने में 2 दिन थाने में हाजिर होने का फरमान। बिहार के बगामी पंचायत का तुगलकी फरमान, प्रेमिका से उसके ससुराल में मिलने गए युवक को बंधक बनाकर पीटा, मौके पर पहुंची पुलिस को भी लोगों के विरोध का करना पड़ा सामना। बिहार के बेगूसराय में हथियार के बल पर किराना दुकानदार से 70,000 रुपए की लूट, कैमरे में चोर की वारदात कैद। कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो में बर्फीले तूफान के बाद हालत बदतर, कई शहरों में भयंकर बर्फबारी। भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फंस गई गाड़ियां, दक्षिण पूर्व कनाडा में खराब मौसम की चेतावनी। लेबनान की राजधानी बेरूत में विस्फोट पीड़ितों का प्रदर्शन, जांच तेजी के लिए लगातार कर रहे हैं मांग, बेरूत में 2020 में हुए धमाके में 215 लोगों की हुई थी मौत।